हेलो माय डियर किड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू फाइन. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न योर इंग्लिश बुक चैप्टर 16 क्लासरूम. आज हम क्लासरूम वाला चैप्टर करने जा रहे हैं. लुक एट द पिक्चर्स. ये आपका क्लासरूम, जो क्लासरूम में आप बैठते हो. क्लासरूम कहाँ होता है? एट फर्स्ट आप ये बताइए, क्लासरूम कहाँ होता है? स्कूल में. कहाँ होता है? स्कूल में. और स्कूल में जब आप अपनी क्लास में जाते हैं तो वहाँ कितनी आपको मैनी मैनी डिफरेंट काइंड्स थिंग्स दिखती हैं जो क्लास में होती हैं, आपको पता है? वो ही आज हम यहाँ इस चैप्टर में पढ़ेंगे और देखेंगे. आप भी अपनी क्लास में जाते हो, बहुत सी चीज़ें देखते हैं, वही हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे. ओके चिल्ड्रन, सो वी विल स्टार्ट. फर्स्ट देखिए, देखिए यहाँ, ये सपोज ये आप सब हैं, दिस इज स्टूडेंट्स. ये सब कौन है? स्टूडेंट्स हैं. अब स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए कौन होते हैं? टीचर होती हैं. तो ये कौन है? ये मैम है, मींस टीचर है जो पढ़ा रही है. ठीक है, आप कौन हो? स्टूडेंट्स हो और ये टीचर है. ओके, और क्या क्या होते हैं इस क्लासरूम में? अब टीचर हैं तो टीचर किस पे पढ़ाएंगे? ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाएंगे ना. तो यहाँ ब्लैक बोर्ड भी है. दिस इज़ ब्लैक बोर्ड, दिस इज़ ब्लैक बोर्ड. ओके, और क्या है? यहाँ टेबल है, दिस इज टेबल एंड दिस इज चेयर. टेबल एंड चेयर. और बच्चों के पास और मैम के पास में क्या है? यहाँ नोटबुक है, बुक्स है. सो बुक्स भी रहती है क्लास में. क्लासरूम में क्या होती है? बुक्स भी होती है. और क्या होता है? और मैम जिससे लिखती हैं वह चौक होता है, चौक होता है, मार्कर होता है और डस्टर होता है. ये क्या है? डस्टर. ये क्या है? व्हाट इज दिस? डस्टर. एंड ये पेंसिल बॉक्स है, दिस इज पेंसिल बॉक्स. एंड दिस इज डस्टबिन. आप अपनी पेंसिल शार्प करके कचरा कहाँ डालेंगे? डस्टबिन में. ओके, सो ये है डस्टबिन. एंड दिस इज चार्ट. दिस इज चार्ट है. ये चार्ट है जिससे मैम आपको टीच करती हैं. इसमें पिक्चर्स दी हुई हैं. इन पिक्चर्स से आप लोगों को पढ़ाया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, और क्या क्या होती हैं क्लास में? और सी दिस पिक्चर. ये है ग्लोब, मींस अर्थ. इस ग्लोब से हम अर्थ के बारे में समझ सकते हैं. अपनी दुनिया को इसमें हम देख सकते हैं. दिस इज कॉल्ड ग्लोब. ओके, ग्लोब से भी हमें पढ़ाया जाता है. और दिस इज मैप. ये इंडिया का मैप है, इंडिया का मैप है. ये चार्ट है. तो ये चार्ट्स भी लगे होते हैं क्लासरूम में. ओके, तो क्या क्या होता है? फिर से हम लोग स्पेलिंग से ही रीड आउट करेंगे. सो ब्लैक बोर्ड, बी एल, मेरे साथ में आप भी बोलिए, बी एल ए सी के, ब्लैक बोर्ड, बी ओ ए आर डी बोर्ड, ब्लैक बोर्ड. टीचर, टी ई ए सी एच ई आर, टी ई ए सी एच ई आर, टीचर. सी एच ए आर टी चार्ट, सी एच ए आर टी चार्ट. एंड चेयर, सी एच ए आई आर चेयर, टी ए बी एल ई टेबल, टी ए बी एल ई टेबल. एंड डस्टर, डी यू एस टी ई आर, डी यू एस टी ई आर, डस्टर. बुक, बी डबल ओ के बुक. एंड ग्लोब, जी एल ओ बी ई, जी एल ओ बी ई, ग्लोब. पेंसिल बॉक्स, पी ई एन सी आई एल, पेंसिल बॉक्स, बी ओ एक्स बॉक्स, पेंसिल बॉक्स. डस्टबिन, डी यू एस टी बी आई एन, डी यू एस टी बी आई एन, डस्टबिन. ओके, तो ये स्पेलिंग्स हैं. और ये क्लासरूम में जो होते हैं वो सब
यहाँ हैं जैसे ब्लैक बोर्ड है, टीचर हैं, इन सब की हमने स्पेलिंग भी लर्न कर ली। अब आगे देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस को हम रीड आउट करेंगे और उनके आंसर्स देखेंगे। वेयर डू यू सिट इन योर क्लास, आप अपनी क्लास में कहाँ बैठते हैं। वेयर डू यू सिट, सिट मीन्स बैठना, इन योर क्लास कहाँ बैठते हैं, फर्स्ट रो में बैठते हैं, सेकंड में बैठते हैं या थर्ड में बैठते हैं, ये आपको यहाँ नोट डाउन करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। आपने कभी काउंट किया? नो, नहीं किया, कोई बात नहीं। तो आपको अपनी क्लास में इमेजिन करके जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपको यहाँ लिखना है, नोट डाउन करना है। ओके माय डियर स्टूडेंट, इन विच क्लास डू यू स्टडी, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। इन विच क्लास डू यू स्टडी, इन विच क्लास, क्लास कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप, यूकेजी में, कौन सी में, यूकेजी, सो वी राइट यूकेजी। यूकेजी क्लास, नेम द थिंग्स दैट यू टीचर्स राइट विथ ऑन ब्लैक बोर्ड, नेम द थिंग्स दैट यू योर टीचर राइट विथ ऑन ब्लैक बोर्ड, आपकी टीचर ब्लैक बोर्ड पे कौन कौन से नाम लिखती हैं वो आपको लिखना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन फिल करना है, आपको ये होमवर्क में मिल जाएगा, आप लोग इसको होमवर्क को कॉपी में नोट डाउन करना, ओके, और इनको रीड आउट करना। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।